सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एनिमे पल्स जी। तो आज हम बात करने वाले हैं सेरिना के चाइल्डहुड की। तो देखो, सेरिना का चाइल्डहुड जो है ना, वो बहुत ही डार्क था और उसके लिए बहुत ही बुरा था। मतलब उसका जो चाइल्डहुड था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था उसके लिए। मतलब उसके लिए उसका चाइल्डहुड जो है ना, वो एक तरह समझ लो कि उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गया था। तो अगर आपको जानना है उसके चाइल्डहुड में क्या हुआ था, तो वीडियो को एंड तक देखना। और लास्ट में मैं आपसे ऐसा पोकी क्विज पूछूंगा जिसका आंसर कोई भी नहीं दे पाएगा, और लिटरली आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना ऐसे ही पोकेमॉन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। और इस वीडियो को अभी से एक लाइक कर दो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चाइल्डहुड जानने से पहले हम सेरिना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सेरिना जो है, उसका बचपन से कोई भी सपना नहीं था, और उसने अपनी जर्नी जो है वो ऐश के लिए स्टार्ट की थी, क्योंकि आपको पता ही है कि सेरिना को ऐश कितना पसंद है। और फिर बाद में धीरे धीरे उसने पोकेमॉन से घुलने मिलने का तरीका सीख लिया। फिर बाद में उसने अपना सपना चुन लिया कि वो एक परफॉर्मर बनेगी, और पहले ही शोकेस में वो हार गई थी। फिर बाद में उसने अपना पूरा ओवरऑल लुक चेंज कर लिया, उसने अपने बाल छोटे कर दिए, और फिर सेरिना का जो कॉन्फिडेंस था ना, वो एकदम बूस्ट हो गया। और अगर हम उसके बिहेवियर की बात करें तो वो ज़्यादा जल्दी गुस्सा नहीं होती, और वो बहुत ही काइंड है, और उसमें बहुत अच्छी स्किल्स भी है कि वो रायहॉर्न रेसिंग कर सकती है। उसे कुकीज बनाना बहुत पसंद है, और वो पोकी पफ्स भी बनाती है। और उसने अपने पूरी जर्नी में 3 प्रिंसेस की जीती थी, और वो मास्टर क्लास में रनर अप रही थी। फिर बाद में फॉर्मल कार्लोस क्वीन सेरिना को कॉन्टेस्ट के बारे में बताती है, और फिर एट द एंड सेरिना होएन के लिए चली जाती है ऐश को किस करके। तो ये हो गई सेरिना की बेसिक इन्फो। अब बात करते हैं उसके चाइल्डहुड की। तो उसका चाइल्डहुड कैसा रहा? तो देखो, सेरिना जो है, उसे बचपन से पोकेमॉन कुछ खास पसंद नहीं थे, और उसे पोकेमॉन से घुलने मिलने में बहुत परेशानी होती थी। और उसकी जो मॉम थी ग्रेस, वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी करती थी। और जो सेरिना चाहती थी वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वो सेरिना को ज़बरदस्ती रायहॉर्न रेसिंग करवाती थी, जो सेरिना को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जो हमने एनिमे में देखा था। और उसकी मॉम जो थी, वो बचपन से ही ये चाहती थी कि वो उसकी बेटी को भी उसकी तरह रायहॉर्न रेसर बनाए, और सेरिना को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। जैसे आपको पता है कि सेरिना अपनी मॉम को इतना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती, क्योंकि उसकी जो मॉम थी वो उसे बचपन से ही रायहॉर्न रेसिंग करवाती थी, और सेरिना को बचपन से ही पोकेमॉन पसंद नहीं होते थे। और फिर उसके मॉम ने एक बार उसे उसके अगेंस्ट जाके कैंटो समर कैंप में उसका नाम दाखिल करा दिया था, और सेरिना को वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना था। और सेरिना इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि वो खो गई थी, और फिर वो पॉलीवैक्स से भी बहुत डर गई थी, और उसे चोट लग गई थी। फिर क्या होता है, हमारा हीरो ऐश आता है, उसे समझाता है, उसे उठाता है, और फिर उसकी हेल्प कर देता है एक हीरो की तरह, और तभी से सेरिना को ऐश के ऊपर क्रश हो जाता है। और जो हैंकरचीफ ऐश ने सेरिना के पैर में बांधी थी, वो सेरिना हमेशा अपने पास रखती है ऐश की याद समझ के। सो हाँ, इतना ही मुझे सेरिना के चाइल्डहुड के बारे में पता था। जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना। और हाँ, सेरिना का जो चाइल्डहुड है ना, वो सच में उसके लिए तो बहुत ही बुरा था, क्योंकि जो सेरिना चाहती थी उसकी मॉम, वो कभी उसे करने नहीं देती थी। पर बाद में सेरिना ने उसके मॉम को साबित कर दिया कि वो क्या कर सकती है, और फिर उसने उसके मॉम को स्कीडो रेस में भी हराया, और उसने अपने मॉम को ये साबित कर दिया कि वो एक बहुत ही कमाल की परफॉर्मर बनेगी। और उसके मॉम को भी उस पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड हुआ था एंड के एपिसोड्स में, जो सच में आप देखोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अब बारी आती है पोकी क्विज की। और हाँ, मुझे पक्का यकीन है गाइस, आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हो। तो ये रहा वो पोकी क्विज। तो बताओ, इमेज ए या इमेज बी में से कौन सी वाली हमारी डॉन है? तो आपको पता ही है कि एक राजकुमारी डॉन की जैसे दिखती थी, तो आपको बताना है कि हमारी वाली कौन सी डॉन है, इमेज ए वाली या इमेज बी वाली। और हाँ, इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, और जिन्होंने सही आंसर दिया है उनके नाम भी बताऊंगा। और मुझे पता है कि पोकी क्विज थोड़ा हार्ड है, तो दो उसका आंसर। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना ऐसी पोकेमॉन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को एक लाइक करके ही जाना। और फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।